माइक नंबर 5 से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जाकिर नायक एंड ऑल पीपल अराउंड हियर, माय नेम इज भावना नलावडे, आई एम अ हिंदू। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूजिक इन द होली कुरान। इज इट मेंशनड एनीवेयर इन द होली कुरान दैट लिसनिंग टू म्यूजिक, आई एम नॉट सेइंग वॉचिंग म्यूजिक, बट लिसनिंग टू म्यूजिक इज हराम, एंड इफ इट इज सो मिस्टर बिस्मिल्लाह खान एक मशहूर फनकार हैं, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul, so if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. Behan ne sawal kiya hai ki quran mein koi ayat hai jisme likha hai ki music haram hai? Quran mein likha hai atullah atur rasul, obey allah obey the message, allah ki baat mano allah ke rasul ki baat mano, तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई, साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ, डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, ये साफ तौर पर लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल, मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई आपको सुकून मिलता है लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार क्या है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी आल्सो। कुरान में एक सूरह शोरा है पोएट्स, कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बैग जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी आराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी आराम है, ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी आराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, हम उनसे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार अजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे है, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान भेग जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये हम जानते हैं सही नहीं है तो भी हम गुनगुनाते, वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के लेके आ सकता है, हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है लेकिन फिर भी गुनगुनाते, नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते, घर के बाहर भोंगा लगा है 1 2 3 है, क्या 1 2 3, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है, सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है।